हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर टेन जो है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर उसकी हैंड रिटन नोट्स तो आइए इनके कंटेंट्स के बारे में देखते हैं ठीक है पहले तो यहाँ पे इंट्रो दी गई है उसके बाद है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट तो उसमें आता है प्रोडक्शन ऑफ कर्ड प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट प्रोडक्शन ऑफ बटर मिल्क प्रोडक्शन ऑफ चीज़ डोसा एंड इडली ब्रेड ठीक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देन आता है फोमेंटेड बेवरेजेस ठीक है वो बताया गया यहाँ पे टेबल बताया गया है ठीक है उसमें नेम दिया है रॉ मटेरियल और परसेंटेज दी है अल्कोहल की देन उसके बाद एंटीबायोटिक्स आता है टेबल बनाया है यहाँ पे उसमें एंटीबायोटिक्स और उसका सोर्स है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का वो बताया ठीक है थर्ड हमारा आता है एन्जाइम्स के बारे में फोर्थ है हमारा ऑर्गेनिक एसिड्स ठीक है फिफ्थ आता है अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में उसके बाद आता है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट ठीक है उसमें आती है प्राइमरी ट्रीटमेंट आती है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ठीक है देन उसके बाद आता है माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस देन उसके बाद ये स्टेजेस बताई हुई हैं ठीक है स्टेजेस थर्ड स्टेज टू स्टेज वन उसके बारे में बताया है और ये स्टेजेस है एनरोबिक डायजेशन ज्यूरिंग बायोगैस फॉर्मेशन ठीक है Then उसके बाद बायोगैस प्लांट ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बायोगैस प्लांट और ये यहाँ पे फिगर बनाई हुई है ठीक है बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं तेन उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है लूज एसोसिएशन साइनोबैक्टीरिया सिम्बियटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया ठीक है ये आपको यहाँ बताया नॉन सिंपियोटिक नाइट्रोजन फिकसिंग साइनोबैक्टीरिया फंजाई आता है हमारा ठीक है ये फिर उसके बाद आता है एक्टोमाइक्रोराइजा फिर आता है एंडोमाइक्रोराइजा ठीक है देन आता है बायोपेस्टिसाइड्स के बारे में आता है हमारा ठीक है देन बायो इंसेक्टिसाइड्स के बारे में आता है प्रेडिएटर्स आते हैं पैरासाइड्स एंड पैथोजें ठीक है स्टिलाईजेशन स्ट्रेटर्जी आती है इंटर क्रॉपिंग आती है इंसेक्ट्स हॉर्मोन्स फिरफोन्स आते हैं जुबिलाइंस हॉर्मोन्स आते हैं नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स ठीक है ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ पर फिर आता है बायो वॉर के बारे में रेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेपन यूज इन बायो वॉर ठीक है फिर उसके बाद आता है कॉमन बायोलॉजिकल वेपन्स उसमें आता है एंथ्रैक्स आता है हमारा ठीक है पैथोजीन होस्ट रिजर्व इनक्यूबिशन पीरियड उसका डायग्नोसिस और उसकी प्रिवेंशन देन ट्रीटमेंट वगैरह ये सब आपको यहाँ पे बताया गया फिर आता है यूज इन बायो वॉर ठीक है बैसिलिस्ट एंथरैक्स उनको बताया गया हुआ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बायोलॉजिकल उसके बताए हुए यहाँ पे देन आता है बायोपिरीसी के बारे में आइटम्स फेसिंग बायोपिरेसी ऑपोजिशंस टू बायोपिरेसी एक्सटेंट ऑफ बायोपिरेसी एग्जाम्पल्स हैं ठीक है देन आता है बायोपेटेंट उसके बारे में बताया गया हुआ है एडवांटेजेस बताए हैं उसके डिसएडवांटेजेस फिर आता है फूड प्रोडक्शन के बारे में ठीक है जैसे कि या फिर क्रॉप इंप्रूवमेंट उसमें आता है सिलेक्शन आता है ठीक है मास सिलेक्शन आता है प्योर लाइन सिलेक्शन आता है हाइब्रिडाइजेशन आता है ठीक है उसके बाद इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन

ठीक है वो बताया गया यहाँ पे आपको देन आता है टिश्यू कल्चर ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टिश्यू कल्चर इन ऑफ कल्चर ठीक है मल्टीप्लीकेशन और सब कल्चर स्टेज डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ सब कल्चर फ्रॉम टेस्ट ट्यूब टू फील्ड वो बताया गया आपको फिर आती है एप्लीकेशन आती है टिश्यू कल्चर की ठीक है उसमें आता है माइक्रो प्रोपोगेशन सिलेक्टिव शूटलेट प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट ठीक है एंड्रोजेनिक एंड्रोजेनिकॉडस एंड यूज इन ब्रीडिंग बताया था ना आता है एम्ब्रियो उसके बारे में बताया गया आता है सिंगल तो, 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 सेल प्रोटीन आता है हमारा यहाँ पे ठीक है देन बायो फॉ -फोर, फोर्टिफिकेशन के बारे में बताया बायो फोर्टिफिकेशन क्या होती है देन आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फिर आती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से ठीक है देन आता है जीएम फूड उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया देन आता है एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग ठीक है देन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट सेकंड इसमें है प्लांट ब्रीडिंग वगैरह उसके बारे में आपको बताया गया हुआ यहाँ पे ठीक है माल सिलेक्शन वगैरह प्योर लाइन सिलेक्शन वो आपको बताया क्लोन क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन उसके बारे में बताया डेफिनेशन बताए यहाँ पे कुछ एमेस्कुलेशन बैगिंग क्रॉसिंग इंड्यूस म्यूटेशन तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे कि आपकी क्लास काफी बड़ी है तो मैं कुछ आपको उसके लिए आपको कुछ बुक्स को कंसल्ट करना चाहिए तो वो मैं बुक्स आपको बता दूंगी वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो प्लीज आप जाके एक बार ही मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए ठीक है वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा टिश्यू कल्चर आ गया ठीक है एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स ठीक है प्रोडक्शन ऑफ म्यूटेंट्स

लैग्यूम राइजोबियम सिम्बिय उसके बारे में है ठीक है ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्री लिविंग ऑफ एन टू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया माइक्रोराइजा ठीक है वॉट इज वी ए एम उसके बारे में भी आपको बताया गया यहाँ पे ठीक है देन बायो पेटेंट के बारे में बताया गया आपको बायोपिरेसी कुछ डेफिनेशन बताई हैं बायो वॉर उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया आपको तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए थैंक यू